कांग्रेस ये देखना चाहती है कि क्या अखिलेश अपने दम पर ओबीसी और दलित वोट को एक कर पाएंगे, क्योंकि सियासी गलियारों में यही माना जाता है कि 2024 के चुनाव में यूपी में दलितों का वोट इंडिया गठबंधन को इसलिए मिला क्योंकि राहुल गांधी का संविधान वाला नैरेटिव काम कर गया। स्पष्ट कर दूं, सिंबल भी समाजवादी पार्टी का ही होगा और या घटक दल इंडिया गठबंधन के जो घटक दल अगर कोई होंगे उनका होगा, और उम्मीदवार भी उनके होंगे। ना ही कांग्रेस पार्टी का कोई उम्मीदवार होगा और ना ही कांग्रेस पार्टी किसी दूसरे सिंबल पे लड़ने जा रही है। कांग्रेस का अंतिम संस्कार कर ही दिया है, फिर ये झंडा डंडा, ये चुनाव निशान और ये दफ्तर क्यों खोल रहा है? कांग्रेस के दफ्तर को भी उन्हें समाजवादी पार्टी को सौंप देना चाहिए, पूरी पार्टी को मर्ज कर देना चाहिए। कांग्रेस के साइड होते ही यूपी में सारी चुनावी लड़ाई योगी वर्सेस अखिलेश की है, और इस फाइट के लिए बीजेपी ने जिन चेहरों पर अपना दाम लगाया है उसे भी समझ लीजिए। यादव बहुल करहल सीट पर अनुजेश यादव को टिकट दिया है, जो कि रिश्ते में धर्मेंद्र यादव के बहनोई है। अनुजेश के सामने समाजवादी पार्टी से तेज प्रताप यादव है। फूलपुर सीट पर बीजेपी ने ओबीसी वर्ग से आने वाले दीपक पटेल को प्रत्याशी बनाया है, जो कि कुर्मी समुदाय से आते हैं। उनके सामने अखिलेश के मुजदबा सिद्दकी है। मझवा सीट से सुचिस्मिता मौर्य को बीजेपी ने उतार कर ओबीसी कार्ड चला है। उनका सामना समाजवादी पार्टी की ज्योति बिंद से होगा। कटेहरी सीट पर धर्मराज निषाद के जरिए ओबीसी चेहरे पर भरोसा जताया है। यहाँ उनके सामने समाजवादी पार्टी की शोभावर्ती वर्मा है। मुस्लिम बहुल कुंदर की सीट पर क्षत्रिय वर्ग से आने वाले रामवीर सिंह ठाकुर को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। उनके सामने हाजी मोहम्मद रिजवान है। बीजेपी को लगता है कि मुस्लिम वोट बटे तो उसका फायदा रामवीर सिंह ठाकुर को मिलेगा। अलीगढ़ की खैर सीट पर बीजेपी ने दलित समुदाय से आने वाले सुरेंद्र दिलेर को कैंडिडेट बनाया है। उनके सामने समाजवादी पार्टी से चारू कैन है, जबकि गाजियाबाद से ब्राह्मण कैंडिडेट संजीव शर्मा को मौका दिया है। वहीं अखिलेश ने दलित समाज से आने वाले राज जाटव को मौका दिया है। यानी अखिलेश के परिवारवाद को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी ने चार ओबीसी और एक दलित को मैदान में उतारा है। संगठन की दृष्टि से भी हमारी पूरी तैयारी है। हम लोग लंबे समय से विधानसभा उपचुनाव की तैयारी हमारी पार्टी कर रही है, तो हमारे सभी प्रत्याशी कल नामांकन करके और पूरी मजबूती के साथ जो हमारे कामकाज का लेखा जोखा है, हमारा रिपोर्ट कार्ड है हमारी सरकार का, एक वो एक कार्यकर्ता उसे लेकर घर घर जाएगा। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का इन सभी विधानसभा उपचुनावों में भाजपा को योगी जी को आशीर्वाद मिलेगा। 2024 के चुनाव में दो लड़कों की दोस्ती का जो दम दिखा था वो चार महीने बाद समझौते पर आकर खत्म हो गया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अखिलेश के समीकरण सभी 9 सीटों पर फिट बैठते हैं? अखिलेश को लगता है कि वो अकेले ही अपने दम पर जीत हासिल कर लेंगे, जबकि बीजेपी सहयोगियों को साथ लेकर चल रही है। समाजवादी पार्टी को 2024 जैसे नतीजों की उम्मीद है, जबकि बीजेपी कैंडिडेट्स के दम पर चुनाव लड़ रही है। अखिलेश यादव का फार्मूला है पीडीए, जिसका जवाब योगी आदित्यनाथ के पास है, बटोगे तो कटोगे, और इसके लिए माहौल अभी से बनाया जाना शुरू हो चुका है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। साफ तौर पर यह मैसेज आपने देखा, लेकिन तस्वीरें फिलहाल जिस डीएनडी हाईवे पर लगाई गई है, ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला रास्ता है, तो साफ तौर पर जो संदेश है वो उच्च स्तर तक पहुंचना चाहिए, ये स्पष्ट होता है यहाँ पर लगे हुए बोर्ड से। मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही बोर्ड्स को फिलहाल कुछ दिनों पहले मुंबई में लगाया गया था योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ, और वहां पे भी एक संकेत देने की कोशिश की जा रही थी कैसे एकजुटता से रहना है। योगी आदित्यनाथ उपचुनाव को बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं, इसलिए कई तरीके से रणनीति बनाई गई है। योगी आदित्यनाथ खुद हर विधानसभा में दो रैलियां करेंगे, जबकि मंत्री और दूसरे नेता जनसभाओं के जरिए बीजेपी के पक्ष में समर्थन मांगेंगे। कार्यकर्ताओं को जाति के हिसाब से संपर्क करने को कहा गया है, तो पन्ना प्रमुख को बूथ की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
संघ और वीएचपी भी जमीन स्तर पर एक्टिव हो चुकी है और इसके संकेत मथुरा में मोहन भागवत और योगी की 45 मिनट की बातचीत से मिल गया। सूत्रों का यह भी कहना है कि इस बार टिकट बंटवारे में आरएसएस की राय भी ली गई है। साइकिल का सिंबल हो या पंजा हो, दोनों को जनता कई बार आजमाकर देख चुकी है। पंजा उत्तर प्रदेश से विलुप्त हो चुका है, साइकिल पंचर हो चुकी है। यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से योगी सरकार पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये लड़ाई परसेप्शन और इमेज की है। इसलिए माना जा रहा है कि जिसे भी इस बार जीत मिलेगी उसका कद बड़ा होगा, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या अखिलेश यादव। इसलिए हर कोई अपना 100% देने में जुटा है। ने लोकसभा में जो बरगलाने का काम खटाफट फटाफट किया था, जनता इनकी सच्चाई को समझ चुकी है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यालयों का कई बार महिलाओं ने घेराव भी किया कि हमारे ऊपर से कहां गए जो खटाखट बात कर रहे थे राहुल गांधी। अब इनकी पोल खुल चुकी है, सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही विजय सी दर्ज कर। कांग्रेस ने सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली थ्योरी अपना ली है, लेकिन चैलेंज अखिलेश यादव के लिए। अगर 5 से कम सीटें समाजवादी पार्टी जीतती है तो क्या अखिलेश के तेवर सीट शेयरिंग को लेकर इसी तरह आक्रामक रहेंगे? 2024 के लोकसभा चुनाव की जीत का क्रेडिट अखिलेश जिस तरह खुद को देते हैं, क्या फिर हार का क्रेडिट अपने ऊपर लेंगे? उपचुनाव बहुत मैटर नहीं करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बड़े दिल के साथ 9 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस को देने के लिए पूरी तरीके से बातें सामने रख दी थी। उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस क्यों नहीं लड़ी है, इसके पीछे इसकी जवाबदेही और इसकी तमाम तरीके से जो सवाल जवाब उठ रहे हैं उसके लिए कांग्रेस से ही सवाल पूछा जाना चाहिए। अखिलेश यादव भले ही जीत जरूरी मानते हों, लेकिन क्या उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के ऐलान में गठबंधन धर्म नजर आया? अखिलेश दावा कर रहे थे कि वो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जबकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि वो सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद उसने सहयोगी पार्टियों के लिए सीट छोड़ दी। अखिलेश 2 सीटें कांग्रेस को ऑफर कर रहे थे जहां कांग्रेस को हार दिख रही थी, जबकि बीजेपी ने जिन सीटों को छोड़ा है वहां एनडीए कैंडिडेट के जीत के चांस ज्यादा है। सूत्रों का दावा है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस के यूपी नेताओं से सीटों को लेकर बातचीत करना ठीक ही नहीं समझा और इसीलिए ये मामला इतना उलझता चला गया। अखिलेश पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र के जरिए प्रेशर पॉलिटिक्स करते रहे, लेकिन राहुल ने ये मैसेज दे दिया कि हारी हुई सीटों पर चुनाव लड़ने से अच्छा है सारी जिम्मेदारी अखिलेश ही उठाए और नतीजे मनमाफिक नहीं होने पर मोलभाव किया जाएगा।